आखिर कौन है ये दोनों बाप बेटे जिन्होंने यूट्यूब पर देखा करोड़ों का मालिक बनने का सपना और छाप डाले 85 लाख रुपए के नकली नोट। करोड़पति बनने के लिए बाप बेटे ने घर में लगा डाली पैसे छापने की मशीन। नोटों से भरे बोरों को पुलिस देखकर हो गई हैरान। बाप बेटे की करतूत को देखकर इलाके में मच गया हड़कंप। कैसे खुली बाप बेटे की पोल? पुलिस की गिरफ्त में सिर झुकाए आगे खड़े हुए आप जिन 3 लोगों को देख रहे हैं, इन्हें आप आम लोग समझने की भूल बिल्कुल भी मत कर बैठना, क्योंकि इन बाप बेटों के कारनामे को देखकर पुलिस भी हैरान और परेशान हो गई। अगर इन बाप बेटों की पोल नहीं खुलती तो न जाने क्या से क्या हो जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज के समय में ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि उनके पास बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, खूब पैसे हो, और सपने को पूरा करने के लिए लोग जी जान लगा देते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। और बहुत से लोग तो मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते और कुछ लोग बन भी जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग जल्द ही अमीर बनने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जल्दबाजी करना और शॉर्टकट का इस्तेमाल करना उनके लिए कभी कभी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है, क्योंकि अगर इन बाप बेटों का यह काम थोड़े दिन और लगातार चल जाता तो यह बड़े से बड़े बिजनेसमैनों और नौकर पेशाओं को पीछे छोड़ देते, क्योंकि उन्होंने अमीर बनने के लिए एक ऐसा रास्ता खोजा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यह बाप बेटे रातों रात करोड़पति बनना चाहते थे। अमीर बनने का सपना तो सही था, लेकिन शायद इनका तरीका गलत था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले तो बाप बेटे ने यूट्यूब पर करोड़पति बनने का सपना देखा और उसके बाद घर में पैसे छापने की मशीन लगा डाली। लेकिन इनको क्या पता था कि इनका यह धंधा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पहले तो ये बाप बेटे कमरे का दरवाजा बंद करके रात और दिन नकली नोटों की छपाई में जुट जाते। उनकी इसी मेहनत से कुछ दिनों में 85,94,000 रुपए के नकली नोट छाप दिए। यह बाप बेटे नकली नोटों को बोरे में भर ही रहे थे तभी अचानक पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को देखकर बाप बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब हम आपको बता देते हैं, यह मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर की बगरू थाना क्षेत्र से सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुरेंद्र सिंह, शिवम सिंह और प्रेमचंद सैनी है। इसमें सुरेंद्र सिंह और शिवम सिंह पिता और पुत्र हैं। पुलिस जब अचानक से इनके घर में पहुंची तो यह बाप बेटे 500-500 के नोट बोरों में भर रहे थे। नोटों की कीमत अगर आंकी जाए तो 85,94,000 रुपए थी। पुलिस के मुताबिक उनके घर में 85,94,000 रुपए मिले, 2 प्रिंटर मिले, 2 पेपर कटिंग की मशीन मिली। ये बड़ी ही चालाकी से नकली नोटों से सामान खरीदते थे। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि ये तीनों ठग नकली नोटों से भेड़ बकरियों को खरीदा करते थे और पहले ये किसी गांव में जाते थे और फिर वहां पर जाकर असली पैसों की गड्डियों के बीच में नकली पैसों को मिला दिया करते थे और बकरी खरीदने के बाद उन बकरियों को आगे बेच दिया करते थे, जिससे उन्हें असली पैसे मिल जाया करते थे और लोगों को ये आए दिन चूना लगाते रहते थे। अब इन बाप बेटों के बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। TV30 इंडिया डिजिटल डेस्क। जय हिंद।